हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो अभी हम करने वाले हैं फोर्स गुरखा, ऑल न्यू फोर्स गुरखा BS6 2020 का डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। फोर्स ने अपनी नई गुरखा BS6 वाली शोकेस कर दी है ऑटो एक्सपो 2020 में। प्राइसेस अभी रिवील नहीं हुई हैं, अप्रैल 2020 में ये लॉन्च हो जाएगी और इसकी प्राइसेस भी रिवील कर दी जाएंगी। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें नया इंजन है 90 BHP की पावर के साथ। जो नया इंजन है वो इसमें लॉन्च किया गया है और 2.6 लीटर का इंजन दिया गया है इसमें, जो थोड़ा मॉडिफाई किया गया है और नया डेवलप किया गया है फोर्स के द्वारा। और ये जो आप इसका फ्रंट फेशिया देख रहे हो, बहुत ज़्यादा पहले से बेहतरीन हो गया है। और ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो ऑटो एक्सपो में, ये एकदम प्रोडक्शन वेरिएंट है, ऐसा ही आने वाला है जब ये लॉन्च होने वाली है। और अगर हम इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो हमें सर्कुलर DRLs मिलती हैं, और बीच में जो मेन हेडलाइट है उसमें हमें LED रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, जिसके अंदर हमें पार्टीशनिंग के लिए दिया गया है लो बीम और हाई बीम करने के लिए। और ये है फोर्स और गुरखा की बैजिंग इसकी फ्रंट ग्रिल पर। और यहाँ दिए गए हैं फॉग लैंप्स, और ये है इसकी साइड की लुक्स। हम देख सकते हैं बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही ऊंची हो गई है और बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो गई है। ये जो फ्रंट हेडलैम्प्स की और ग्रिल की जो हाउसिंग है थोड़ी और मच्योर हो गई है, और थोड़ी सी जो हम कहेंगे पेंट फिनिश की क्वालिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। और ये जो पीछे जो डिज़ाइन दिया गया है, ये जो लॉन्ग विंडो दी गई है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लुक देता है इस फोर्स गुरखा को। ये काइंड ऑफ वैसा मिरर दिया गया है जैसा टाटा सियेरा में आता था, और जैसा कि नई वाली टाटा सियेरा में शोकेस किया गया है। आप जो इसके ऊपर एक्सेसरीज देख रहे हैं, एक्सेसरीज़ का पार्ट है जो रूफ पे लगी हुई है, जो मिरर पे लगी हुई है, वो सब आपको नहीं मिलेंगे। बट टायर्स और ये ओवरऑल शैसी डिज़ाइन, एवरीथिंग अदर देन दोज एक्सेसरीज इज देयर एग्जैक्टली लाइक द प्रोडक्शन वर्जन। सो दिस इज़ द प्रोडक्शन वर्जन एक्चुअली। और ये है इस फोर्स गुरखा का रियर प्रोफाइल, यहाँ पर मिलता है आपको इसका रियर टायर अलॉयज के साथ। अलॉयज के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ये अलॉयज आपको मिलेंगे या ये एसेसरीज़ का पार्ट है, बट मेरे हिसाब से मिलने चाहिए। और एक और अच्छी चीज़, आपको पीछे LED स्टॉप लैंप मिलता है और रियर वाइपर भी दिया गया है। और यहाँ पर हमारी गुरखा की बैजिंग 4x4x4 दी गई है, और यहाँ पर मिलती है हमें BS6 की बैजिंग। सो गाइस, अब एक बार इंटीरियर देख लेते हैं इस गाड़ी का। जो इंटीरियर की थीम है, जो कलर थीम है, उसे थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ये थोड़ी सी कॉफ़ी ब्राउन कर दी गई है। और जो इसका जो स्पीडोमीटर है, जो क्लस्टर है, वो भी नया कर दिया गया है। और इंफोटेनमेंट के नाम पे इसमें एक थर्ड पार्टी फिटेड आई गेस पैनासोनिक का टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है। बाकी जो मैकेनिकल्स हैं वो सेम है, लेकिन इसमें फ्रंट टू पावर विंडोज दे दिए गए हैं। और ये इसके पीछे की जो सीट्स हैं वो कैप्टन सीट्स की तरह दो सीट्स दे दी गई हैं, और उनके पीछे दो छोटी चाइल्ड सीट्स दे दी गई हैं। मैं आपको एक बार पीछे से दिखा देता हूँ। तो गाइस, अब ये पीछे से एक बार देख लेते हैं, ये है इसकी लुक पीछे से। ये दो छोटी जंप सीट्स दी गई हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए ही कहने को हैं, बट आई थिंक इन सीट्स का कोई यूज़ नहीं है और ये सेफ्टी वाइज भी सही नहीं है। और नीचे ये एक प्लास्टिक मैट वाली फ्लोरिंग दी गई है, और वो दो सीट बेल्ट दी गई हैं, और ये पीछे दो जंप सीट्स कैप्टन सीट्स की तरह सीट्स दी गई हैं। ये था नई फोर्स गुरखा का इंटीरियर। और मैं आपको अब ये बता दूं, वीडियो ख़त्म करने से पहले, एक तो ये मर्सिडीज जी वैगन पर बेस्ड है, तो इसकी लुक्स बहुत ही अमेजिंग है, और ये ओपन टू मॉडिफिकेशन है, इसमें बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं। और ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स फैक्ट्री वर्जन ऑफ द फोर्स गुरखा 4x4x4। और ये एक लौती ऐसी ऑफ रोडर है इंडिया में जिसमें फ्रंट और रियर दोनों डिफरेंशियल लॉक्स अवेलेबल हैं। महिंद्रा थार में सिर्फ रियर डिफरेंशियल लॉक आता है, बट ये एक लौती ऐसी ऑफ रोडर है जिसमें फ्रंट और रियर दोनों डिफरेंशियल लॉक्स आते हैं। अगर आप आईसुजू D-Max की बात करो तो वहाँ पर आपको मैनुअल डिफरेंशियल लॉक्स नहीं आते हैं, उसमें मोड्स आते हैं, और वो मोड्स ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल करते हैं। फोर्ड एंडेवर में भी इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ कंट्रोल होता है मोड्स के थ्रू, लेकिन अगर आपको हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करनी है तो इस फोर्स गुरखा में आप मैनुअली रियर डिफरेंशियल लॉक को और फ्रंट डिफरेंशियल लॉक को यूज़ करके किसी भी ऑफ रोडिंग की ट्रिकी सिचुएशन से इस गाड़ी को निकाल सकते हो। और यही एक लौती ऐसी कार अवेलेबल है इंडिया में जिसके अंदर फैक्ट्री फिटेड
एयर इंटेक स्नॉर्कल मिलता है जो और किसी गाड़ी में नहीं आता है। आपको सब जगह जिप्सी लो, आप महिंद्रा थार लो या डी आई सुजू डी मैक्स वी क्रॉस लो, सब में आपको आउटसाइड फिटमेंट करवानी पड़ेगी। लेकिन ये एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया में जिसके अंदर आपको फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल मिलता है। तो फोर्स गुरखा आपको आउट ऑफ द बॉक्स कंपनी से एक ऐसा प्रोडक्ट बना के देता है जिसे आप शोरूम से निकालो और आप डायरेक्टली ऑफ रोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये था हमारा एक छोटा सा क्विक वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू फोर्स गुरखा BS6 वर्जन दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च समवेयर अराउंड अप्रैल 2020 हेयर इन इंडिया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स इन द ऑटोमोटिव वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।